भारत के रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने हेलीकॉप्टर क्रैश पर उठाए सवाल। बड़ी खबर, सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ताइवान के आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर क्रैश की चर्चा शुरू। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने किया ट्वीट, बगल में ट्वीट दिखाए उनका, दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश की तुलना नहीं लेकिन सवाल उठने जरूरी है। ब्रह्मा चेलानी ने कहा, ये देखिए आप, ब्रह्मा चेलानी ने इसको ट्वीट किया, इसके आगे का भी ट्वीट है इसलिए मैं उनको मिसकोट नहीं करना चाहूंगा, इसमें आगे भी उन्होंने ट्वीट किया है, तो उसमें जो आगे उन्होंने ट्वीट किया है हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं दोनों को रिलेट नहीं कर रहा हूं लेकिन सवाल उठने लाजमी है। आइए जरा यहां पर जो उन्होंने ट्वीट किया है सीधे इसको प्ले ऑन करें, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा दूसरा वाला ट्वीट भी इसको राहुल एडिट करके दे, जरा मैं मिसकोट नहीं करना चाहूंगा। ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि एक ऐसे समय पर जब चीन के साथ 20 महीने लंबी सीमा तनाव के चलते हिमालय फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य कर्मियों की एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटना दुखद मौत है। इससे बुरा समय नहीं हो सकता। जनरल रावत की मौत 2020 की शुरुआत में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समान है जिसमें ताइवान के चीफ जनरल स्टाफ जनरल की मौत हो गई थी। इसमें शेन यीमिन और दो प्रमुख जनरलों समेत 7 अन्य शामिल थे। हर हेलीकॉप्टर क्रैश में पीआरसी की आक्रामकता के खिलाफ डिफेंस के एक प्रमुख व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस अजीब समानता का मतलब यह नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में कोई संबंध है या इसमें कोई बाहरी हाथ था। कुछ भी हो, प्रत्येक दुर्घटना ने महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से शीर्ष जनरलों को ले जाने वाले सैन्य हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर, यह ब्रह्मा चेलानी ने कहा है। मैं चाहूंगा इसको ले उनके शॉर्ट्स के साथ, ये जो ग्राफिक्स है वो जो शॉर्ट्स है, ट्वीट को अवॉइड करें हम लोग, उनके शॉर्ट्स के साथ सीधे आए निनाद सर। ब्रह्मा चेलानी सीधे ताइवान वाले उसको लेकर जा रहे हैं। अब हम सभी लोग इतने किडिश तो नहीं है, बच्चे भी नहीं है कि हमें यह ना पता हो ये कहां हिंट किया जा रहा है, बाद में उन्होंने बैलेंस भले ही उसको कर दिया। आपका टेक इस पर? देखिए ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है लेकिन इस तरह के कोइंसिडेंस बड़े रेयर होते हैं। मुझको तीन चीजें स्पष्ट करनी है। पहले तो जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं आती तो ये शेयर स्पेक्युलेशन है जो हम कर रहे हैं। स्पेक्युलेटिव नैरेटिव में अगर हम जाए तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि शायद मेरे को लगता है पर्सनली कि इस तरह का मौसम यहाँ पे आम बात है, इस तरह की लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ पे आम बात है। और ये हेलीकॉप्टर जो है ये हालांकि 9 अगर क्रैश हुए 5 साल में, उससे फर्क नहीं पड़ता कितने थाउजेंड किलोमीटर उड़े हैं। अगर आप उस हिसाब से देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये वर्क हॉर्स होता है एयरफोर्स का और जब प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जब CDS उड़ते हैं तो एकदम बड़े ही बड़े बड़े हार्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। बस हर चीज देखी जाती है, तिनका देखा जाता है। तो मुझको लगता है कि वेदर को ब्लेम करना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि इस तरह की ही वेदर होती है यहाँ पे और वहाँ हेलीकॉप्टर की क्षमता होती है इस वेदर में लैंड करने की, वरना हेलीकॉप्टर को ले ही नहीं जाया जाता, क्लियरेंस नहीं मिलती है। तो क्या ये पायलट एरर हो सकता है? क्या ये ज्यादा भारी हो गया था हेलीकॉप्टर? ये भी कई बार होता है, क्षमता ज्यादा हो गई हो, या ये एक सैबोटेज था जिसकी तरफ ब्रह्मा चेलानी हिंट कर रहे हैं। भाई देखिए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हम ये बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आती कि ये सैबोटेज था कि नहीं, क्योंकि इस तरह का अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश होना सबसे पहले तो शक की तरफ ही ले जाएगा, वो भी चाइना ने ताइवान के साथ जो किया था या ना किया था ये तो हम कह नहीं सकते, पर उनके साथ जब कन्फ्रंटेशन चल रहा था तो 3 टॉप जनरल्स मरे थे इसी तरह के हेलीकॉप्टर में, तो क्या कहीं पे प्रोटोकॉल ब्रीच हुई है कि नहीं? पर जैसे मैंने पहले कहा, हमको इंतजार करना चाहिए जब तक रिपोर्ट नहीं आई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।